फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खुश हैं? फ्रेंड आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग क्या स्टार्ट करते हैं जी? सुबह सुबह मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी ये हुई है कि रात को मैंने अपने चूज़े बंद किए थे, तो रात को चूज़े बंद किए मेरे, और सुबह जो रात के टाइम पता नहीं किसी पैर में बिल्ली ने दो चूज़ों को ज़ख्मी भी कर दिया और एक चूज़ा ले गई मेरा, जो शामू मेरे चिक्स हैं। तो सुबह उठा तो जो गेज के अंदर खून भी पड़ा हुआ था और एक चूज़ा जो है मेरा चिक्स जो उसका जो पर एक साइड की जो बाजू है वो डैमेज हुई भी, और दो चूज़े मेरे गायब हुए हुए, ये खून भी पड़ा हुआ था। ये समझ नहीं आ रही है बिल्ली थी या क्या था। तो सुबह ही सुबह जो मुझे खबर मिली है ना, तो समझे कि बहुत टेंशन वाली और बहुत मुझे दुख भी लगा हुआ है, और मेरे एक्सपेंसिव एक एक चिक्स आपको पता है शामू असील का कितनी कॉस्ट उस पर पड़ती है, और उसके ऊपर जो मेहनत होती है उसको खिलाना पिलाना। और मैंने हैचिंग तो ख़ुद नहीं की थी, मैंने बाय किए थे किसी से। मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन के चिक्स थे जब मैंने अपने घर में लेके आया, तो अब तो माशाल्लाह से 2.5 से 3 मंथ के हो चुके हैं। तो 11 थे, 11 में से 6-7 जो हैं इसी तरह ही चले गए, मतलब कि टोटल अब 3-4 रह गए मेरे पास। तो बहुत सर को भी दर्द हो रहा है सुबह से, तो आपको दिखाता हूँ कि कहानी क्या है और किस तरह हुआ। ये जो गेज है जी, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इस गेज के अंदर मैंने ये गेज ये इधर रखा हुआ था। तो रात को ऊपर ये जो चादर रखी हुई है, ये चादर भी इसी तरह मैंने ऊपर रख के, तो रात को मैं नॉर्मल जो बंदा रोज़ में बंद करके इसी तरह जाता था, तो आज भी इसी तरह किया था। तो रात को पता नहीं क्या हुआ बस, और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गेज उठा के अंदर किस तरह कोई किस तरह जा सकता है, या चूज़ चिक्स बाहर निकल आए। हाँ, साथ से थोड़ा सा वो गेज है टूटा हुआ है, शायद वहाँ से बाहर आ गए हों या इस तरह कुछ सीन हुआ होगा। लेकिन ये है कि चलें, नुकसान हो गया। अब मेरा ये चिक्स है, आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे बैंडिश की हुई है, इसका पर टूटा हुआ है। अब ये 4 रह गए हैं ऑनली, तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ जी, इतनी मेहनत करके मैंने इनको यहाँ तक पहुँचाया। तो बहरहाल अल्लाह पाक को जो मंजूर होता है जी वही होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। और ये देखें, ये भी ज़ख्मी हुआ हुआ है, आपको देख किसी ने ऐसे अटैक किया है कि चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है जी। अल्लाह पाक हमारे लिए कुछ बेहतरी हो, शायद इसमें भी जो कुछ हुआ शायद मेरे लिए मेरी कुछ बेहतरी के लिए हुआ हुआ हो। लेकिन चलें, बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी अपने चिक्स का, अगर इस तरह का एरिया हैं, गेजेज़ हैं आपके, मेरे नॉर्मल से गेजेज़ हैं, अभी मैंने पक्का सिस्टम नहीं किया हुआ इनके लिए, तो करना चाहिए। ये किया हुआ है हल्का फुल्का, लेकिन अब करना पड़ेगा मुझे। तो आप लोगों को भी ख्याल करना चाहिए अपने एक्सपेंसिव जो चिक्स हैं। घर की जो ब्रीड होती है इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन आप जो बाहर से बाय करके लाते हैं तो फिर जाहिर बात है आजकल आपको पता है मार्केट्स रेट क्या हैं, और चिक्स के खासकर, और वो भी शामों के। आज भी वैसे शाम की रूटीन के वाइज आज भी निकाले हैं अभी। तो ये देखिए, ये मेरे तो आपको पता है असील चिक्स हैं मेरे छोटे, ये इनके ये भी 3 हैं, एक बीमार है मेरे ख्याल में, उस साइड घूम रहा है। नवाल बेटा देखो किधर है वो, तो बाकी यही रह गए अभी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक इनको बचा के रखे। फ्रेंड आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि मेरे लिए परेशान है, क्योंकि मेरे चिक्स आपको पता है बड़ी मेहनत से पाले थे मैंने इनको, बड़े प्यार से मैंने सारा कुछ किया, दिन रात मैंने इनके साथ लगाया। चलिए कोई बात नहीं, तो मुझे बताइएगा मेरी व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो नए फ्रेंड मेरे चैनल पर आ रहे हैं यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल की वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। मेरा नया चैनल है, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप बहन भाइयों की हेल्प की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही बशर्ते, तो फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ पेश खिदमत आपके हाज़र होंगे। तब तक इजाज़त दें।
अल्लाह हाफ़िज़।